Assalamualaikum. Today I am going to discuss with you the new lecture that is the bond market. But before starting the new lecture, I would like to recall the previous lecture. As you know that in the previous lecture we discussed about the money markets. In the very first lecture, when we discussed and examined the role of the financial markets, we discussed that financial markets promotes the transfer of funds from the people who have surplus funds to those people who have shortage of funds, or those people who have productive idea or who have investment opportunities. Then we discussed the structure of markets. आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता होगा कि जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट्स को डिस्कस किया तो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट जो कैटेगरी थी वो ये थी जिसमें मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट. अदर कैटेगरीज को भी देखा. अब मनी मार्केट क्या था, क्योंकि हमारा पिछला लेक्चर जो था वो मनी मार्केट के बारे में था. मनी मार्केट में जो सबसे पहला कंसेप्ट आप लोगों को शायद याद भी हो, मैं रिकॉल करा देती हूँ आपको. हमने ये डिस्कस किया था कि मनी मार्केट इज अ मिसनॉमर, यानी कि इसका ये मतलब नहीं है कि आपको नाम से ये लग रहा होगा कि ये मनी मार्केट है. एक्चुअली मनी मार्केट इज अ मार्केट इन विच सिक्योरिटीज विच आर वेरी क्लोज टू द मनी आर ट्रेडेड. उसके बाद हमने देखा था कि वो सिक्योरिटीज जो बहुत ज्यादा क्लोज टू मनी है, इसका क्या मतलब है, द सिक्योरिटीज विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश एट एनी टाइम. फिर उसके बाद हमने इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी. व्हाइल डिस्कसिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मनी मार्केट, यू नो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट मनी मार्केट इज हैज एन एक्टिव सेकेंडरी मार्केट. यू नो दैट सेकेंडरी मार्केट इज अ मार्केट इन विच दे आर वेरी एक्टिव बायर्स एंड सेलर्स ऑफ सिक्योरिटीज. उसके बाद हमने देखा था कि मनी मार्केट इज अ मार्केट विच इज डिनोमिनेटेड इन लार्ज नंबर्स, जिसमें हमने बात की थी कि एक मिनिमम राउंड होता है उनका, एक राउंड लैप हो जाता है जो आपका 1 मिलियन तक होता है. उसके बाद मनी मार्केट में अगर डिफॉल्ट रिस्क की बात करें तो मनी मार्केट में डिफॉल्ट रिस्क बहुत ज्यादा कम होता है. उसकी वजह क्या है कि इसमें वो सिक्योरिटीज, हम उन सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग होती है जो कि इजिली कन्वर्ट हो सकती है किसी भी टाइम पे कैश में, यानी जो हाईली लिक्विड होती हैं. अब आपको पता चल गया कि मनी मार्केट में, और सबसे बड़ी बात क्या है कि मनी मार्केट की सबसे इंपॉर्टेंट, क्या हम मनी मार्केट में क्यों लोग सिक्योरिटीज करते परचेज करते हैं. मनी मार्केट में वो लोग जाते हैं जो शॉर्ट टर्म फंड्स जिनको जरूरत होती है. हमने उसमें पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि जो कॉरपोरेशन वगैरह हैं जिनको शॉर्ट टर्म नीड्स, लाइक उसमें उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस को फुलफिल नहीं कर पा रही होती है, उनके पास शॉर्टेज ऑफ फंड होती है, तो देन दे प्रेफर टू गो इन टू मनी मार्केट. फिर हमने मनी मार्केट्स के हमने देखा कि इसमें डिफरेंट जो पार्टिसिपेंट्स हैं मनी मार्केट की वो देखी हमने. उसमें हमने देखा कि आपके पेंशन फंड्स हैं, आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, आपके ट्रेजरी बिल्स हैं, उसके ये तमाम वो लोग हैं. उसके अलावा गवर्नमेंट बैंक्स वगैरह, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह, ये लोग जो है मेनली पार्टिसिपेट करते हैं मनी मार्केट में. उसके बाद हमने देखा कि मनी मार्केट जो है वो आपकी इकोनॉमी को कैसे प्रमोट करती है, क्योंकि मनी मार्केट में बेसिकली क्या हो रहा होता है कि फंड्स ट्रांसफर हो रहे होते हैं. जब भी आपकी फंड सर्कुलेशन होती है तो आपको पता है कि आपकी इकोनॉमी में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो ट्रांसफर ऑफ फंड्स है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है पर्सन वेल्थ को. दैट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, दैट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ द बिजनेसेस, एंड इन द लास्ट दैट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द साइक्लिक परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी. क्योंकि आपकी जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज करेगी किसी भी इकोनॉमी में, उसका मतलब है उसका ओवरऑल जो इकोनॉमी की ग्रोथ वगैरह वो चेंज हो गई है. क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो जाती है, हम बात करते हैं कि अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वगैरह की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं लाइक कॉटन वगैरह, या जो आपके मेन जिसमें पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है तो उसके कुछ ऐसे फीचर्स वगैरह से कॉटन वगैरह या राइस वगैरह, अगर उनकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो ओवरऑल ऑफकोर्स इकोनॉमी पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम वो दूसरे कंट्रीज को सेल कर देंगे, एक ट्रांजेक्शन होगी फॉरन, हम लोग उसके बदले में हमें क्या होगा, फॉरेन करेंसी मिलेगी. तो जो फॉरेन करेंसी होगी वो हम अपनी इकॉनमी के इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं.
देन हमने देखा था कि मनी मार्केट्स जो हैं ये इन्वेस्टर्स को, इंटरनेशनल ट्रेड को, उसके अलावा आपकी बिजनेसेस को, आपके सेंट्रल बैंक्स को, आपकी कमर्शियल बैंक्स को, तमाम ये जो आपके सेंट्रल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स वगैरह हैं, ये मनी मार्केट्स इनमें बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. उसके बाद हम देखते हैं कि मनी मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन इम्प्लीमेंटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी. आप लोगों को याद होगा कि जब हमने मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ा था तो हमने कहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, आप सबको बहुत अच्छी तरह पता होगा. उसमें हमने डिस्कस किया था कि सप्लाई ऑफ मनी. तो अब जब आपकी मनी मार्केट्स जो हैं, इसका मतलब है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रही है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी को. इससे ही पता चलता है कि मनी मार्केट्स जो हैं उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी इकोनॉमी में. आपकी अगर जब तक आपकी मार्केट स्टेबल नहीं होंगी, आपकी कंट्री स्टेबल, आपकी कंट्री प्रमोट नहीं कर सकती, इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं हो सकती है. और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मनी मार्केट, वैसे तो मनी वर्सेस कैपिटल मार्केट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए मनी मार्केट है. फिर हमने इसमें डिफरेंट इसके देखे थे कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं. हमने आपको कल के लेक्चर में मैंने आपको एक ग्राफिकली एक टेबल बताया था, जिसमें हमने ये देखा था कि ये टेबल जो है आपको बताएगा कि कौन कौन से डिफरेंट हैं जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं और उनमें उनकी इश्यूअर कौन है, बायर कौन है. इसी टेबल को हम रिकॉल करते हैं. और फिर क्योंकि आज का जो हमारा लेक्चर है वो कैपिटल मार्केट का है, तो मैं चाहती हूँ कि एक दफा आप मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छी तरह रिकॉल कर लें, आपके माइंड में रिफ्रेश हो जाए. क्योंकि जब हम कैपिटल मार्केट को देखें तो वहां वहां आपके माइंड में जो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि क्या डिफरेंस है मनी मार्केट में और कैपिटल मार्केट में, और क्या डिफरेंस है उनके इंस्ट्रूमेंट्स में. मनी मार्केट में जो सबसे पहला हमने डिस्कस किया था वो यूएस ट्रेजरी बिल था. अब आपको पता है टी बिल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा मतलब एक इम्पॉर्टेंट आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन ये है कि इसमें जो आपकी सेकेंडरी मार्केट है वो बहुत अच्छी है, एक्सीलेंट सेकेंडरी मार्केट है. अब ट्रेजरी बिल को देखें तो इश्यूअर कौन है उसका, यूएस गवर्नमेंट. सेलर कौन, बायर कौन है उसका, कंज्यूमर्स इन कंपनीज. और नॉर्मली लोग प्रेफर करते हैं टी बिल्स लेने को, इसलिए इनकी सेकेंडरी मार्केट बहुत अच्छी है. इसका मतलब ये है कि यू कैन एक्टिवली बाय एंड सेल सिक्योरिटीज. अगर अभी आपने सिक्योरिटी परचेज की कोई भी, तो आपको पता है कि जब इन द नीड ऑफ मनी यू कैन इजीली सेल दिस सिक्योरिटी. ठीक है, उसके बाद अगर आप किसकी मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो हमने कहा था जो नॉर्मली होता है वो 28 डेज होता है, लेकिन आपका अगर हम ओवरऑल बात करें तो इसका मैच्योरिटी पीरियड वेरी करता है 4 वीक्स, 13 वीक्स एंड मैक्सिमम 26 वीक्स. देन अनदर कंपोनेंट इज द फेडरल फंड. फेडरल फंड बेसिकली क्या होता है, फेडरल फंड का आपको मैंने बताया था कि फेडरल फंड बेसिकली ये होता है कि आपका जिस तरह कुछ हर बैंक्स जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स अपना कुछ ना कुछ रिजर्व फेडरल फंड में रखती हैं, और वो रिजर्व जो है उस पर उनको कोई इंटरेस्ट रेट वगैरह नहीं मिलता. उस रिजर्व का बेनिफिट ये होता है क्योंकि ये फेडरल रिजर्व सिस्टम की एक आप कह सकते हैं कि उनका एक इम्पॉर्टेंट मतलब फीचर था कि हर बैंक को जरूरी है कि कुछ ना कुछ डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व रखें. अब फेडरल फंड में आपका इश्यूअर कौन है, बैंक्स हैं. बायर कौन है, बैंक्स है. क्योंकि आप देखिए इसमें इश्यूअर और बायर सेम क्यों है, इसलिए कि आपका बैंक्स बैंक्स वगैरह को जब जो बैंक्स के शॉर्टेज ऑफ जिनके पास रिजर्व कम होते हैं जब उन्हें नीड पड़ती है तो फेडरल रिजर्व से ले लेते हैं. तो इश्यूअर भी आपका बैंक है और बायर भी आपका बैंक है. इसका मेच्योरिटी पीरियड जो है 1 to 7 डेज तक है. और अगर हम इसकी सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो फेडरल फंड हैव गुड सेकेंडरी मार्केट but not as good as the T bills. But if we are not going to compare with the T bills, then federal fund has a good active secondary market. Then repurchase agreement, जिनको हम रेपोस कहते हैं. repurchase agreement basically होता क्या है, repurchase agreement ये होता है कि आपने कोई कोई भी आप ये agreement करते हैं कि आपने कोई securities sell out किए with the agreement to purchase buying back within the specified period, that is 1 to 15 days. जिनको हम रेपोस कहते हैं. और रेपोस जो है जो रीपर्चेज एग्रीमेंट्स है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी ओपन मार्केट ऑपरेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. क्योंकि ओपन मार्केट ऑपरेशन बेसिकली क्या होती है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज. तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो अपना काम एक तो रीपर्चेज एग्रीमेंट जिनको हम रेपोस कहते हैं, और एक मैच स्टेल एग्रीमेंट अगर आपको याद हो जिसे हम रिवर्स रेपोस कहते हैं, जिसमें कंपनी बाय करती है विद एग्रीमेंट टू सेल आउट दी सिक्योरिटी
सिक्योरिटीज विद इन द 15 डेज पीरियड. ठीक है, इसमें अब हम देखते हैं इश्यूअर कौन है. इश्यूअर बिजनेसेस एंड बैंक्स हैं. आपके बायर कौन है, बिजनेसेस एंड बैंक्स हैं. इसका मेच्योरिटी पीरियड 1 to 15 डेज है. और अगेन इसकी जो सेकेंडरी मार्केट है, रीपर्चेज एग्रीमेंट्स ऑफ गुड सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि आपकी सेलिंग और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज है तो नॉर्मली आपकी वो लिक्विड सिक्योरिटीज होती हैं, आपको इजीली उसका सेल आउट कर सकते हैं. देन नेक्स्ट क्या है, निगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, जिन्हें हम सीडीज कहते हैं. सीडीज बेसिकली क्या होता है, आपकी वो उसमें आपके बैंक्स वगैरह होते हैं, लार्ज मनी सेंटर बैंक्स जो है इसके इश्यूअर होते हैं, इसके बायर जो है वो बिजनेसेस होते हैं. और इसकी मेच्योरिटी पीरियड क्या होती है, 14 to 120 डेज. और इसकी सेकेंडरी मार्केट भी अगर देखें तो गुड सेकेंडरी मार्केट. देन कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल पेपर्स की एक और बात, हम बेसिकली कमर्शियल पेपर जो होते हैं ये अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं. ठीक है, और इसकी जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 1 to 270 डेज तक हो सकता है. नॉर्मली फाइनेंशियल कंपनीज एंड बिजनेसेस जो हैं उसके इश्यूअर होते हैं और बायर भी बिजनेसेस होते हैं. लेकिन कमर्शियल पेपर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि पुअर सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड होते हैं, अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं. अनसिक्योर्ड का मतलब ये है कि अगर आप, हमने जब अपने डेट को भी डिस्कस किया था तो हमने सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड की बात की थी. अनसिक्योर्ड का मतलब ये है कि आपने कुछ भी लिया, एक बायर और सेलर के दरमियान कोई एग्रीमेंट हुआ, लेकिन अगर बॉरोअर जो है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी डेट वो फंड्स नहीं वापस कर रहा तो सेलर कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो अनसिक्योर्ड है. लेकिन हमने कमर्शियल पेपर में डिस्कस किया था एसेट बैक्ड कमर्शियल पेपर, एबीसीपी क्या होता है. बेसिकली ये जो कमर्शियल पेपर की एक टाइप है जो सिक्योर्ड होती है, जो कोलैटरल होती है, प्लेज्ड होती है ये. ठीक है, इसका जो मेजोरिटी पीरियड है 1 to 4 डेज होता है. और हमने ये डिस्कस किया था कि जो एसेट बैक्ड कमर्शियल पेपर्स हैं दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फाइनेंशियल क्राइसिस दैट कम दैट अकर्ड इन द पीरियड ऑफ 2007 to 2009. और कमर्शियल पेपर्स में नॉर्मली लोग नहीं जाते हैं, कंपनीज की कोशिश होती है कि वो कमर्शियल पेपर्स में ना जाएं, क्योंकि जब उसकी सेकेंडरी मार्केट अच्छी नहीं है, यानी आप कुछ परचेज कर लेते हो तो आपको पता है कि आप इसको सेल आउट नहीं कर सकते. अगर आपको सेल आउट करना पड़ेगा तो आपका लॉस होगा, तो नॉर्मली कोई भी ये नहीं चाहेगा उसका लॉस हो. देन बैंकर्स एक्सेप्टेंस, बैंकर्स एक्सेप्टेंस क्या होता है, बैंकर्स एक्सेप्टेंस बेसिकली वो, इसमें आप देखें कि आप, हमने कहा था कि ए एंड बी जो है वो ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, बी जो है वो फॉरेन कंट्री में, ए पाकिस्तान में डोमेस्टिक मार्केट में है, ए कुछ मशीनरी वगैरह चाह रहा है जो उसने बी से परचेज करनी है. अब बी उसको नहीं जानता तो बी उसको मशीनरी नहीं दे रहा, क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक मुझे पेमेंट ना मिले, और ए की भी यही सर्कमस्टेंसेस है, वो कहते हैं कि मैं पेमेंट कैसे कर दूं, आई एम नॉट श्योर कि मुझे मेच्योरिटी डेट पे जो स्पेसिफाइड पीरियड है उस पर मुझे मशीनरी मिलेगी भी नहीं. तो इन दैट केस बैंकर्स एक्सेप्टेंस, ये वाला रोल, बैंक एक रोल प्ले करता है मीडिएटिंग रोल बिटवीन द बोरोअर एंड लेंडर. ठीक है, इसका भी अगर हम देखें सेकेंडरी मार्केट तो गुड सेकेंडरी मार्केट, और नॉर्मली इश्यूअर कौन है, बैंक, और नॉर्मली इसको बायर कौन है, बिजनेसेस वगैरह. और इसका मेच्योरिटी पीरियड है 30 to 180 डेज. और बैंकर्स एक्सेप्टेंस का जो सबसे बड़ा बेनिफिट हमने देखा था, हमने कहा था इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है. देन लास्ट वन इज यूरो डॉलर डिपॉजिट्स, इसका इश्यूअर नॉन यूएस बैंक्स हैं. हमने कहा था कि जब डॉलर्स को सेंट्रल बैंक में ट्रांसफर किया गया था इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स तो इनको नाम दिया गया था यूरो डॉलर्स का. इनके बायर्स कौन है, बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स एंड बैंक्स. और यूजुअल मैच्योरिटी पीरियड 1 डे टू 1 ईयर. और अगेन इसमें इसकी सेकेंडरी मार्केट पुअर है. अब इस टेबल को देखते हुए, ये तो था मनी मार्केट जो हमने प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल किया. बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैं आपको एक और चीज बताऊं कि इस पूरे टेबल में जब हमने कंपैरेटिव एनालिसिस किया तो इन सिक्योरिटीज का क्या, हम इन सिक्योरिटीज को क्यों देखते हैं, इन सिक्योरिटीज में कैसे कंपनीज डिसाइड करती हैं कि हमें कौन सी सिक्योरिटी में जाना चाहिए, तो दो चीजें देखती हैं, इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी. अब देखिए हमने बात की कमर्शियल पेपर और यूरो डॉलर्स, इनकी बहुत पुअर सेकेंडरी मार्केट है तो नॉर्मली कंपनीज वो ये उनकी कोशिश होगी कि वो इनके अंदर ना ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज करें. और इंटरेस्ट रेट हमने एक, आपको अगर याद हो हमने एक बार चार्ट देखा था जिसमें इन सब का इंटरेस्ट रेट मोर और लेस इक्वल जा रहा था. ठीक है, ये तो आप, मेरा ख्याल है इतना काफी होगा. अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैपिटल मार्केट्स. अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि कैपिटल मार्केट्स वो मार्केट्स होती हैं जहां पे आपका, आपकी जो फंडिंग रिक्वायरमेंट्स है वो मोर देन 1 ईयर होती है. ठीक है, आप लॉन्गर टर्म, लार्ज टर्म
फंड्स कह सकते हैं. ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे, लॉन्गर टर्म सिक्योरिटीज को. और कैपिटल मार्केट को अगर बेसिकली देखें तो दो तरह की, डेट और इक्विटी. अब डेट को अगर हम देखें तो हमने कहा था डेट को जेनेरिकली हम बॉन्ड का नाम देते हैं. इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर हमने ये चीज डिस्कस की थी. बॉन्ड्स क्या है, बॉन्ड्स आर लाइक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स बट दे हैव मैच्योरिटीज दैट एक्सीड वन ईयर. होता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की तरह ही है, क्योंकि मनी मार्केट में भी तो आप डेट नहीं ले रहे होते हो, लेकिन उसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो डिफर करता है. और बॉन्ड्स में जो मैच्योरिटी पीरियड है वो वन ईयर से ज्यादा है. दीज इंक्लूड्स ट्रेजरी बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, मॉर्गेजेस एंड द लाइक. ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे, वी एग्जामिन हाउ कैपिटल मार्केट्स ऑपरेट. What is the importance of the capital markets? How capital market plays an important role in the economy? Then we discussed and focused our attention on the bonds and the bond market. Basic topics includes purpose of the capital markets, capital market participants, capital market trading, types of bonds, treasury notes and bonds, municipal bonds, corporate bonds, financial guarantees for the bond, current yield calculation, filing the value of the coupon bonds, investing in bonds. क्योंकि ये बहुत ज्यादा टॉपिक है, तो टुडे वी कवर ओनली ट्रेजरी नोट्स एंड बॉन्ड्स. आफ्टर दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर. सबसे पहले कैपिटल मार्केट्स. कैपिटल मार्केट्स आर द फाइनेंशियल मार्केट्स फॉर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी बैक्ड सिक्योरिटीज. अब इसमें क्या आप देखिए, सबसे पहले इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखें कैपिटल मार्केट की, पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज हैं, यानी इसका मैच्योरिटी पीरियड जो इसको डिफरेंशिएट करता है मनी मार्केट से. देन आप देखिए इसमें दो चीजें हैं, डेट और इक्विटी बैक्ड सिक्योरिटीज. क्योंकि इसमें दो तरह की, या तो आप डेट की तरफ चले जाएं या इक्विटी, क्योंकि इक्विटी का मतलब होता है पार्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स इक्विटी, और डेट में आपके पास ओनरशिप नहीं होती है. इक्विटी में बेसिकली आपके पास ओनरशिप होती है, क्योंकि हम जब देखें कोई आप हमने बात की थी कि जब आईपीओ वगैरह होता है और कंपनीज जनरल पब्लिक को शेयर्स ऑफर करती है, तो जो जनरल पब्लिक वो शेयर्स परचेज करेगा तो इवेंचुअली वो शेयर होल्डर बन जाएगा, यानी उसका कंपनी में ओनरशिप राइट होगा. ऑल्दो उसका मैनेजमेंट में रोल वगैरह इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन उसके पास एक ओनरशिप होगी. और डेट में क्या होगा, डेट में ओनरशिप नहीं होती है, सिर्फ आप अपनी फाइनेंसिंग नीड्स को फुलफिल कर रहे होते हो. ये भी कंपनीज देखती हैं अपने मतलब कंपनीज की कैसे डिसाइड करेंगी कि वो डेट में जाएं या इक्विटी में, तो इसके कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिनको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे. दीज मार्केट्स चैनल द वेल्थ ऑफ सेवर्स टू दोज हु कैन पुट इनटू लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव यूज सच एज कंपनीज और गवर्नमेंट मेकिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. वही बात है, क्योंकि ये कैपिटल मार्केट है, इनका बेसिक पर्पस क्या है कि ये ट्रांसफर ऑफ फंड्स उसमें होता है, और उन लोगों से जिनके पास कोई प्रोडक्टिव यूज नहीं है, जिनके पास सेविंग्स है, उनको ट्रांसफर किया जाता है उन लोगों के पास जो एक्चुअली जिनको पैसों की जरूरत होती है या जिनके पास कोई प्रोडक्टिव आइडिया होता है. फाइनेंशियल रेगुलेटर्स सच एज यूकेज बैंक ऑफ इंग्लैंड और द यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ओवरसी द कैपिटल मार्केट्स इन देयर ज्यूरिस्डिक्शंस टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स अगेंस्ट फ्रॉड अमंग अदर ड्यूटीज. देखिए आप कैपिटल मार्केट में, क्योंकि लॉन्ग टर्म आपके फाइनेंसिंग नीड्स हैं, तो कोई ना कोई सिक्योरिटीज हो जो कोई ना कोई ऐसे कंपनीज होंगी जो इनको रेगुलेट करती होंगी, इंस्टीट्यूशंस होंगे. ठीक है, अगर हम पाकिस्तान में देखें तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है. इसी तरह जो बहुत ज्यादा फेमस है वो यूके बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड द यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि कोई फ्रॉड वगैरह ना हो जाए. तमाम अदर देन उनकी रेगुलेशन होती है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं. ये तो नहीं कि आप जाएंगे और आप कहेंगे मैंने बॉन्ड लेना, इक्विटी लेनी, हर चीज की कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं. लेकिन बिसाइड्स दैट टर्म्स एंड कंडीशन, दीज इंस्टीट्यूशंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ एनी फ्रॉड. जिस तरह आपको पता है, हम कंपनीज की बात करें तो कंपनीज हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होती हैं कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, जिसमें हम तमाम चीजें डिस्कस करते हैं उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में. इसी तरह अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है. डिफरेंट एक्ट्स बनाए जाते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर इन्वेस्टर्स ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया और इन केस ऑफ एनी फ्रॉड तो वो कैसे रिकवरी लेगा. देन मॉडर्न कैपिटल मार्केट्स आर ऑलमोस्ट इनवेरेबली होस्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम्स. आप सबको पता है कि वी आर लिविंग इन द ग्लोबल एज.
और आप देखिए हर चीज कंप्यूटर बेस्ड हो गई है। पहले जिस तरह आपको बैंक जाना पड़ता था, बैंक विजिट करना पड़ता था, आपको अपना बैलेंस अगर पूछना है तो आपको फोन पे पूछना पड़ता था, आपको पहले हेलो कहना पड़ता था, लेकिन अब क्या है, एक सिंगल क्लिक पे आप इलेक्ट्रॉनिकली कहीं भी अपनी तमाम चीजों को देख सकते हैं। सेम इसी तरह कैपिटल मार्केट्स भी जो है बहुत ज्यादा मतलब आप देखें बहुत ज्यादा मॉडर्न है, उसमें तमाम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं। एक और चीज, आप जब हम मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हमने कहा था, जो उसका ट्रेडिंग डेस्क की बात की थी, हमने कहा था ट्रैप्स एक सिस्टम है जो ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग सिस्टम है जहां पे तमाम की ट्रांजैक्शन एक सिंगल मिनट में हो जाती है। इसी तरह आप देखिए आपको पैसे निकलवाने तो आप एटीएम यूज करते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, विद इन अ सिंगल मिनट आप अपने पैसे, आप अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। और आपको इजीली इसमें क्या होगा कि इसमें आपको कोई वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा, आप कहीं भी होंगे आप इजीली असेस कर सकेंगे। देयर आर मेनी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सच सिस्टम्स, मोस्ट सर्विंग ओनली स्मॉल पार्ट्स ऑफ द ओवरऑल कैपिटल मार्केट। एंटिटीज होस्टिंग द सिस्टम्स इंक्लूड स्टॉक एक्सचेंजेस, इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। बेसिकली दीज आर द सिस्टम दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। देन अब देखिए, अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट, हम आपको याद हो हमने स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में ये चीज डिस्कस की थी, क्योंकि आपको जो फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको यही बताया था फर्स्ट लेक्चर करते हुए कि आपकी तमाम जो टर्म्स हैं वो आगे जाके आप हम इनको डिस्कस तो अभी कर रहे हैं, हम इनका ओवरव्यू तो ले रहे हैं, हम इनको एक्सप्लोर करेंगे फर्दर, आगे जाके फर्दर इनको एग्जामिन करेंगे। तो आपको याद होगा जब हमने वहां बात की थी कैपिटल मार्केट की बात जब करते हैं तो इसको फर्दर सेग्रीगेट किया जाता है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है। प्राइमरी मार्केट, क्योंकि ये आपको पता मैंने आपको उस टाइम बताया था कि प्राइमरी मार्केट में बेसिकली ट्रांजैक्शन होती है बिटवीन इश्यूअर एंड द बायर, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि न्यू स्टॉक्स इशू होते हैं इन्वेस्टर्स को, ठीक है। उसका जो मेन मैकेनिज्म है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, या इसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, जिस तरह कंपनीज आईपीओज में जाती है, क्योंकि उनमें यह होता है कि पहले कोई भी आपने शेयर्स वगैरह ऑफर नहीं किए होते, फर्स्ट टाइम होती है, इसको हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं, ठीक है। और जो आपकी सेकेंडरी मार्केट होती है इसमें यह होता है कि जो ट्रांजेक्शन बेसिकली होती है वो इश्यूअर एंड इश्यूअर के दरमियान में होती है, एक ने सिक्योरिटीज परचेज की और दूसरे ने सेल कर दी। अब देखिए द मेन एंटिटी इज सीकिंग टू रेज लॉन्ग टर्म फंड्स ऑन द प्राइमरी कैपिटल मार्केट। अब प्राइमरी कैपिटल मार्केट्स में कौन कौन सी एंटिटीज जो है वो होती हैं, गवर्नमेंट्स होती हैं, विच मे बी म्युनिसिपल, लोकल और नेशनल, एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस दैट इंक्लूड कंपनीज। गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट नॉर्मली बॉन्ड्स इश्यू करते हैं, वेयर कंपनीज कैन ऑफन इशू इधर इक्विटी और बॉन्ड्स डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। गवर्नमेंट तो मस्ट सिर्फ बॉन्ड इशू करेगा, लेकिन अगर हम कंपनीज की बात करें तो वो देखते हैं कि उनकी क्या फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस है, फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो इक्विटी की तरफ जाएं या डेट की तरफ जाएं। द मेन एंटिटीज परचेजिंग द बॉन्ड्स और स्टॉक्स इंक्लूड पेंशन फंड्स, हेज फंड्स, सोवरेन वेल्थ फंड एंड लेस कॉमनली वेल्थी इंडिविजुअल्स एंड इन्वेस्टमेंट बैंक्स ट्रेडिंग ऑन देयर ओन बिहाफ। इन द सेकेंडरी मार्केट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड बॉट अमंग इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स, यूजुअली ऑन एन एक्सचेंज ओवर द काउंटर और एल्सवेयर, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंडरी मार्केट में बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो मार्केट में जो आपकी ऑलरेडी ट्रेडेड सिक्योरिटीज होती है वो होती है, लेकिन जब हम सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा जो एम्फेसाइज होता है वो लिक्विडिटी पे होता है, क्योंकि अगर आपकी सिक्योरिटीज हाईली लिक्विड नहीं है, यू आर नॉट एबल टू सेल दी सिक्योरिटीज। अब अगर एक और बहुत ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट हम इसमें कैटेगरी देखें तो वो है स्टॉक मार्केट, जिसको हमने शुरू में भी बताया था मैंने आपको, फॉर इक्विटी सिक्योरिटीज आल्सो नोन एज शेयर्स, इन विच इन्वेस्टर्स एक्वायर ओनरशिप, एंड द बॉन्ड मार्केट वेयर इन्वेस्टर्स बिकम क्रेडिटर्स। आपको मैंने बताया था कि जब हम कैपिटल मार्केट में जाएंगे तो हम डिपेंड करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है कि कंपनीज जो है वो इधर या तो बॉन्ड मार्केट में जाएंगी या फिर स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में उनको ओनरशिप राइट्स मिलते हैं और बॉन्ड मार्केट में दे बिकम द क्रेडिटर्स। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट हमेशा बॉन्ड्स को प्रेफर करती है। पर्पस ऑफ द कैपिटल मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स का वही सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर तो यही कि मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज एंड डाइवर्टिंग देम इन द प्रोडक्टिव चैनल्स, कि आप एक सेविंग को मोबिलाइज करते हो देन इसको कन्वर्ट करते हो प्रोडक्टिव चैनल्स में। अब इकोनॉमिक ग्रोथ में किस तरह वो रोल प्ले करती है, नंबर वन लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स, द
लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट रोल तो वो यही है कि वो सेवर और इन्वेस्टर के दरमियान एक लिंक प्ले कर रही है, उनके एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि वो जिनके पास सेविंग्स है उनको, मतलब अब देखिए मार्केट का मतलब बेसिकली क्या होता है कि अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट, तो इसी तरह कैपिटल मार्केट में क्या होता है कि वो लिंक करती है सेवर्स को इन्वेस्टर्स को, और सेवर्स की सेविंग्स को लेके उनको उसके अगेन कुछ प्रॉफिट वगैरह मिलता है और देन उसको कन्वर्ट किया जाता है प्रोडक्टिव चैनल्स में. कैपिटल मार्केट्स प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसफरिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम सरप्लस एंड वेस्टफुल एरियाज टू डेफिशिएंट एंड द प्रोडक्टिव एरियाज, दैट्स इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री. देन इंकरेजमेंट टू सेविंग्स, देखिए अब आप कैसे वो इंकरेज करते हैं सेवर्स को, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें कुछ ना कुछ बेनिफिट दिया जाएगा. किस तरह इज द डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट्स, द बैंकिंग एंड द नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड फैसिलिटीज विच इंकरेज पीपल टू सेव मोर. उसमें क्या है, देखिए अगर बैंक्स की हम बात करें तो बैंक्स में अगर आप देखें जो भी सेवर्स आएंगे इन द वो अपने रिजर्व्स जो भी उनकी सेविंग्स वगैरह उनकी बैंक को डिपॉजिट कराएंगे और बैंक उनको प्रॉफिट जो उनका मार्कअप होगा वो उनके लिए प्रॉफिट होगा, तो लोग इनकरेज होंगे कि वो अपनी सेविंग्स जो है वहां पे रखें, क्योंकि अगर कोई उनको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा तो कैसे बैंक उनसे सेविंग्स लेगा. उसके अलावा कुछ नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह हैं जिसमें आप अपने आप को रिस्क वहां पे प्रीमियम वगैरह पे करते हो या म्यूचुअल फंड्स जहां पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो. In the less developed countries, in the absence of capital markets, there are very little savings and those who save often invest their savings in unproductive and wasteful directions. Like real estate में like आप कोई जमीन खरीद लेंगे, गोल्ड खरीद लेंगे, ज्वेलरी. Encouragement to investors. फिर क्या है कि कैपिटल मार्केट फैसिलिटेट्स लैंडिंग टू बिजनेसमैन एंड द गवर्नमेंट्स एंड दस इनकरेज इन्वेस्टमेंट. कैपिटल मार्केट क्या करती है कि बिजनेसेस को और गवर्नमेंट्स वगैरह को क्योंकि बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करती है कि वो नई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते रहे. किस तरह के आप देखिए बैंक नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में कुछ सेविंग्स वगैरह हैं या कुछ फाइनेंशियल एसेट्स लाइक शेयर सिक्योरिटीज बॉन्ड्स, तो इंड्यूस सेवर्स टू लैंड टू द गवर्नमेंट और इन्वेस्ट इन द इंडस्ट्री. With the development of financial institutions, capital becomes more mobile. Interest rate fall and the investment increases. वही बात यहाँ पे कैसे कि जब आपकी financial institutions developed हुए तो capital क्या हुआ easily, मतलब आपको बहुत ज्यादा आप easily ले सकते हैं, आपको funds का पता है कि availability of funds आपको कैसे मिल सकते हैं. जब आपको पता है कि आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स है तो आपको पता है कि आप इसको कैसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर सकते हैं. और इसके साथ क्या हुआ, जब बहुत ज्यादा आपके कैपिटल बहुत ज्यादा मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स बहुत ज्यादा हो तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है. जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो उस टाइम जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, कॉर्पोरेशंस के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर वो कोई भी प्लांट वगैरह शुरू करना है तो इजिली शुरू कर सकते हैं. प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, द कैपिटल मार्केट्स नॉट ओनली इफेक्ट द जनरल कंडीशन ऑफ द इकॉनमी बट ऑल्सो स्मूदन्स एंड एक्सेलरेट्स द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. वो किस तरह हमने बात की थी कि जब आपकी देखिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी, लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो आप वो अब दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करेंगे. ठीक है, जब वो ज्यादा होगी तो आपकी फॉरेन करेंसी इंक्रीज होगी, आपकी आपके पास फॉरेन रिजर्व्स जब आपके पास फॉरेन करेंसी इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स आप करेंगे तो आपकी जाहिर इकोनॉमी तो स्ट्रांग होगी. वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कैपिटल मार्केट्स लाइक नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज एलोकेट द रिसोर्सेज रैशनली इन अकॉर्डेंस विद द डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द कंट्री. The proper allocation of resources results in the expansion of trade and industry in both public and private sectors, thus promoting balanced economic growth in the country. Then stability in the security prices. कि बहुत ज़्यादा important factor है आपकी जब तक prices stable नहीं होंगी, क्योंकि अगर आपकी prices unstable हो जाएं तो आपके लोगों में uncertainty आ जाती है. जब uncertainty आती है तो लोग invest नहीं करते हैं, लोगों को नहीं पता कि क्या होगा और uncertainty leads to the high inflation rate and high unemployment. The capital markets tends to stabilize the value of stocks and securities and reduce the fluctuations in the prices to minimum. अच्छा एक और बात है, अगर आपकी prices stable नहीं है, prices increase कर रही हैं,
तो देखिए आपकी जो डिमांड एंड सप्लाई है वो भी इफेक्ट करेगी. जब डिमांड एंड सप्लाई इफेक्ट करेगी तो आपकी इक्विलिब्रियम पॉइंट वो भी इफेक्ट करेगा, और इवेंचुअली आपका इंटरेस्ट रेट पे इफेक्ट पड़ेगा. और आपको पता है जब इंटरेस्ट रेट पे इफेक्ट पड़ेगा तो ओवरऑल इकोनॉमी पे उसका इफेक्ट पड़ेगा. द प्रोसेस ऑफ स्टेबिलाइजेशन इज फैसिलिटेटेड बाई प्रोवाइडिंग कैपिटल टू बोरोअर्स एट द लोअर इंटरेस्ट रेट एंड रिड्यूसिंग द स्पेकुलेटिव एंड द अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज. उसके बाद जो क्रेडिट मार्केट है वो इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करती है, उनको जो भी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स होती है वो फुलफिल करती है. क्योंकि आप किस तरह कर सकते हैं, बाय एडवर्टाइजिंग सिक्योरिटी प्राइसेस. द स्टॉक एक्सचेंज एनेबल्स द इन्वेस्टर्स टू कीप ट्रैक ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स एंड चैनलाइज देम इनटू प्रॉफिटेबल लाइंस. सेकेंड, इट सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स बाय कंपनसेटिंग देम फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज कंपनसेटिंग फंड इन द इवेंट ऑफ फ्रॉड एंड डिफॉल्ट. कि उनको अगर इन द केस ऑफ एनी डिफॉल्ट है तो वो उनको कंपनसेट करती है. तो जाहिर है ऑफकोर्स इसके लिए इन्वेस्टर्स जो है फिर ज्यादा इजीली मोटिवेट होंगे कि उन्हें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए. क्योंकि और पता है इन केस ऑफ एनी फ्रॉड और डिफॉल्ट हमें जो स्टॉक एक्सचेंज कंपनसेटिंग फंड हैं उनसे कंपनसेट किया जाएगा. अब हमने देखना है कि आपकी कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं. कमर्शियल बैंक्स का बेसिकली क्या होता है कि कमर्शियल बैंक्स में आप लोगों से डिपॉजिट्स लेते हैं एंड उन लोगों को देते हैं जिनके पास डेफिशिएंट रिसोर्सेज होते हैं या हु आर डिमांडिंग लोन्स एंड एडवांसेस इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट बिजनेस. देन कमर्शियल बैंक्स आर द मेजर सोर्स ऑफ डिपॉजिट कलेक्टर्स अमंग द ऑल अदर काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, आपको पता है जब डिपॉजिट्स ज्यादा होंगे तो बैंक्स वगैरह भी अपना फंक्शन बहुत अच्छी तरह प्ले कर सकेंगे. क्योंकि अगर बैंक के पास डिपॉजिट नहीं होगा तो बैंकिंग क्राइसिस हो जाएगा, बैंकिंग पैनिक हो जाएगा. तो कमर्शियल बैंक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें. सेविंग बैंक्स लाइक कमर्शियल बैंक, सेविंग बैंक्स ऑल्सो एक्यूमुलेटेड द स्कैटर्ड सेविंग्स ऑफ द कंट्री एंड देन क्रिएट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली फंड्स एंड लास्टली चैनलाइज दीज फंड्स इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट. वही हम जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. देन इन्वेस्टमेंट बैंक्स बेसिकली क्या है, जिसमें ये भी वो बैंक्स हैं जो दे प्रोवाइड सिक्योरिटीज एंड प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग. क्रेडिट यूनियंस जो है वो कमर्शियल सेविंग से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि दे आर नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी. और उसके अलावा इसमें एक और मेन डिफरेंस क्या है कि ये एंड रिस्ट्रिक्ट देयर बिजनेस टू द मेन मेंबर्स ओनली. ये सब इंटरनल मेंबर्स को देते हैं, जो इनके इंटरनल मेंबर्स हैं सिर्फ उनको लोन प्रोवाइड करते हैं. तो इसलिए क्रेडिट यूनियंस कंपैरेटिवली कमर्शियल बैंक्स इतना रोल तो नहीं प्ले करी, क्योंकि एक तो वो आपको प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होती, लोग इसमें ज्यादा मोटिवेट नहीं होते, और सेकेंडली क्या होता है कि ये इसमें रिस्ट्रिक्शन है. लेकिन फिर भी जो क्रेडिट यूनियंस है वो भी दे ऑल्सो प्ले मेन रोल इन द कैपिटल मार्केट टू सम एक्सटेंट. फाइनेंस कंपनीज में आप किस तरह करते हैं कि आप अपने फंड्स लेते हैं बाय इशूइंग सिक्योरिटीज एंड देन द फंड टू इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल बिजनेसेस. डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस DFIs वो भी वही है कि लॉन्ग टर्म फंड्स लेने का बहुत अच्छा है. इसमें क्या होता है कि आप इन्वेस्टर्स को फिक्स्ड कैपिटल प्रोवाइड करते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स. देन स्टॉक एक्सचेंज जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्टॉक एक्सचेंज मीन एनी बॉडी कंप्राइजिंग ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट कंस्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ बाइंग सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज. लीजिंग कंपनीज वगैरह हैं, उसमें भी आप देखें क्या आप देखें आपने अगर घर वगैरह बनाना है या कोई गाड़ी वगैरह लीज करवानी है तो उसमें भी वो भी क्योंकि कैपिटल मार्केट है. अगर आपने हाउस फाइनेंसिंग या कार लीजिंग आपको पता है कि वो लॉन्ग टर्म है क्योंकि आप एक दो साल से ज्यादा हैं, तो लोगों को इसमें भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है. और लीजिंग कंपनी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट्स. म्यूचुअल फंड्स, some of the mutual funds concentrate their investment in capital market securities such as stocks or bonds. In this way they provide funds for the long term investment by the investors. Then insurance companies kya hai ki wo receive karti hai premium aur logon ko policies wagaira provide karti hai aur phir ye in jo un, jo premium wagaira usko invest karti hai from insurance in stocks and bonds.
नेक्स्ट नाउ वी मूव टू कैपिटल मार्केट ट्रेडिंग. देखिए, हमने बात की थी कैपिटल मार्केट में. सबसे पहले एक जो प्राइमरी मार्केट इसमें है वो आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. आईपीओज में आपको पता है नॉर्मली क्या होता है कि कंपनीज जो है फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को ऑफर करती हैं, और जनरल पब्लिक को फिर वो इस पे उनको बेनिफिट होता है कि डिविडेंड वगैरह मिलता है. ठीक है, उसके अलावा क्या है, कंपनीज कैन अवॉइड पेइंग फी टू इन्वेस्टमेंट बैंक्स. इसका बेनिफिट ये है कि कंपनीज को इन्वेस्टमेंट बैंक्स वगैरह को कोई फी वगैरह नहीं पे करनी पड़ती. ठीक है, और डायरेक्ट पब्लिक ऑफरिंग होती है. लेकिन इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस अगर देखें तो इसमें कुछ लीगल कॉस्ट वगैरह आ जाती है, आपकी लीगल कॉस्ट, मैनेजमेंट टाइम वगैरह, आपकी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट. तो थोड़ा सा इसमें अगर एक तो बेनिफिट ये है कि बेनिफिट अगर हम देखें तो फी वगैरह का नहीं है, लेकिन अगर उसके ऑपोजिट साइड पे देखें तो उसका एक डिसएडवांटेज भी है. सेकेंड है सेकेंडरी मार्केट, जो ओवर द काउंटर और ऑर्गेनाइज एक्सचेंजेस. ये भी आपको याद होगा, ओवर द काउंटर क्या होता है कि इसमें कोई आपकी कोई भी आपको ऑर्गेनाइज्ड प्लेस नहीं होती. इसमें आपके बायलेटरल डीलर्स वगैरह आते हैं, फोन पे वो सिक्योरिटीज बाय एंड सेल आउट कर रहे होते हैं. ठीक है, और अगर आप ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंजेस की बात करें तो ये लोकलाइज्ड प्लेसेस होती हैं, जिसमें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, शिकागो स्टॉक एक्सचेंज है, ये बहुत ज्यादा फेमस स्टॉक एक्सचेंज है अगर ऑर्गेनाइज एक्सचेंजेस में हम देखें. एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल मार्केट ट्रांजेक्शन. देखिए, अगर हम कैपिटल मार्केट में किस तरह, सबसे पहले अ गवर्नमेंट रेजिंग मनी ऑन द प्राइमरी मार्केट, कि गवर्नमेंट किस तरह प्राइमरी मार्केट के ऊपर फंड रेजिंग करती है. अब देखिए, अगर गवर्नमेंट को कोई भी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की जरूरत है तो वो नॉर्मली क्या करेगी कि अपने बॉन्ड्स को कैपिटल मार्केट में सेल आउट कर देगी. अगर हम इसका देखें, इन 20th सेंचुरी एंड 21st सेंचुरी मैनी गवर्नमेंट वुड यूज इन्वेस्टमेंट बैंक्स टू ऑर्गेनाइज द सेल ऑफ देयर बॉन्ड्स. हाउएवर, सिंस 1997 इट हैज बीन इंक्रीजिंगली कॉमन फॉर द गवर्नमेंट्स ऑफ द लार्जर नेशंस टू बायपास इन्वेस्टमेंट बैंक्स बाय मेकिंग देयर बॉन्ड्स डायरेक्टली अवेलेबल फॉर परचेज ओवर द इंटरनेट. देखिए, 20th और 20th सेंचुरी में गवर्नमेंट क्या करती थी कि अपने जो जितने भी बॉन्ड्स वगैरह वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स की मदद से सेल आउट करती थी. लेकिन 1987 में, क्योंकि जब इंटरनेट या बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स आए, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंक्स को प्रेफर नहीं किया, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ फी पे करनी पड़ती है. उन्होंने डायरेक्टली इंटरनेट पे अपने बॉन्ड्स जो है ऑफर किए फॉर द सेल पर्पस. अ कंपनी रेजिंग मनी ऑन द प्राइमरी मार्केट्स. देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट कि जब कंपनी, कोई भी कंपनी, हमने पहले गवर्नमेंट की देखी, अब हमने कंपनी की एग्जांपल देखी. देखिए, जब कंपनी ये डिसीजन लेती है कि उसको फंड्स की जरूरत है, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन क्या होती है कि इधर कंपनी ऑप्ट टू गो फॉर द इक्विटी और द बॉन्ड मार्केट. इक्विटी में, क्योंकि जैसे आपको पता है इक्विटी मार्केट में ओनरशिप होती है, आपको डिविडेंड वगैरह भी मिलता है, और डेट मार्केट में ये होता है कि आपको कॉस्ट ऑफ बोरिंग पे करनी पड़ती है, जिसे आप इंटरेस्ट पेमेंट कहते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट. इसमें क्या है, अगर वो शेयर्स वगैरह को चूज करती है तो एक तो उसके डेट ऑब्लिगेशंस कम हो जाएंगी, और सेकेंडली जो शेयर होल्डर्स वगैरह होते हैं वो आपको कुछ नॉन मॉनिटरी हेल्प वगैरह प्रोवाइड करें, तो कुछ एक्सपर्टीज वगैरह प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो शेयर्स ऑफर द पोटेंशियल फॉर द हायर रिटर्न्स एंड कैपिटल गेन्स इफ द कंपनी डज वेल. अगर हम बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स में क्यों वो सेफर साइड पे होता है, क्योंकि अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वो किसी लॉस वगैरह में चली जाती है, तो बॉन्ड ओनर्स आर यूजुअली पेड बिफोर शेयर होल्डर्स. अब कंपनी जब प्राइमरी मार्केट से फंड्स वगैरह लेना है तो क्या होता है कि इट इन्वॉल्व फेस टू फेस मीटिंग्स then other capital market transaction. Whether they choose to issue bonds or shares, companies will typically enlist the services of an investment bank to mediate between themselves and the market. अब companies normally क्या करती हैं? देखिए, government में हमने क्या देखा था कि government में कि वो प्रीवियस सेंचुरीज में तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स का रोल होता रहा, लेकिन देन जब इंटरनेट का हुआ और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स आए, तो गवर्नमेंट ने अपने बॉन्ड्स इंटरनेट पे सेल आउट करना शुरू कर दिए. लेकिन कंपनीज ने क्या किया, वो हमेशा इन्वेस्टमेंट बैंक्स की हेल्प आउट लेती है, जो एक मीडिएटिंग रोल प्ले करते हैं बिटवीन देमसेल्व्स एंड द कैपिटल मार्केट्स. ट्रेडिंग ऑन द सेकेंडरी मार्केट. अगर कंपनीज सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड आउट करती है, तो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है वो लिक्विडिटी का है, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट्स में लिक्विड, हाईली लिक्विड आपके हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज होती हैं, आपका डिफॉल्ट रिस्क भी कम होता है.
और सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रोसेस बहुत इजीली होता है, टाइम आपका बहुत, अगर आप टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत इजीली हो सकती है, उसके अलावा क्या होता है कि आप इजीली अपने फंड्स को रेज कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी तक हमने देखा कि कैपिटल मार्केट्स क्या होती हैं, कैपिटल मार्केट्स का फंक्शन क्या है और कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं। देन लेट्स मूव टू द टाइप ऑफ बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स की टाइप हमने देखनी है। ठीक है, बॉन्ड्स बेसिकली क्या है, बॉन्ड्स आर द सिक्योरिटीज दैट रिप्रेजेंट डेट ओड बाय द इशुअर टू द इन्वेस्टर, डेट ओड बाय द इशुअर टू द इन्वेस्टर एंड टिपिकली हैव स्पेसिफाइड पेमेंट्स ऑन स्पेसिफाइड डेट्स जनरली विद द पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट। देखिए, आप कब डेट वगैरह लेते हैं तो डेट का आप देखें, आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है, इसका मतलब है कुछ इंटरेस्ट रेट होता है। उसके बाद देखें, एक मेच्योरिटी पीरियड होता है, ये नहीं कि आपको अनलिमिटेड टाइम के लिए दे दिया जाता है। जब भी लेंडर एंड बोरोअर के दरमियान एग्रीमेंट या वो डेट वगैरह ले रहे होते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, मेच्योरिटी पीरियड क्या है और इंटरेस्ट रेट क्या है। इंटरेस्ट रेट में वो देखते हैं कि फर्दर अगर वो इंटरेस्ट रेट पे देखें तो वो ये देखते हैं कि उन्हें फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है या कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट है। फिक्स्ड में आपको याद होगा कि एट द एंड पे एक पेमेंट होगी, लेकिन कंपाउंडेड में क्या होता है कि आपको मंथली बेसिस पे पेमेंट्स देनी पड़ती, पीरियोडिक पेमेंट्स, जिसमें इन द केस ऑफ इंस्टॉलमेंट लोन्स वगैरह आ जाते हैं या लीजिंग कार्स वगैरह आ जाता है। ठीक है, अब बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड का एक होल्डर ऑफ द बॉन्ड होता है जिसको हम क्रेडिटर कहते हैं, जो लेता है, एंड द इश्यूअर ऑफ द बॉन्ड बोरोअर होता है, एंड द कूपन इज द इंटरेस्ट। बॉन्ड्स प्रोवाइड द बोरोअर विद द एक्सटर्नल फंड्स। ठीक है, जो बोरोअर्स को फंड मिल जाएंगे और अगर उसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह भी आ सकते हैं, गवर्नमेंट्स को भी, जब गवर्नमेंट्स की स्पेंडिंग्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो इन दैट केस गवर्नमेंट को बोरो करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब तक उनके टैक्स रेवेन्यूज वगैरह, क्योंकि बाद में उनके टैक्स रेवेन्यूज आ जाते हैं तो वहां से गवर्नमेंट अपनी जो डेट्स वगैरह है उसको वापस कर देती है, लेकिन जब तक उसके स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा हैं तो गवर्नमेंट भी बोरो करती है। बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स आर बोथ सिक्योरिटीज, but the major difference between is that capital stockholders have an equity stake in the company, means that they are the investors, and the debt holders become the lenders of the company. Issuance, bonds are issued by public authorities, credit institutions, companies and supranational institutions in the primary market. Theek hai, humne dekha tha ki companies bhi, public authorities bhi, ab hum aage isko further up categorize karenge to dekhenge kaun se bond jo hai, government kaun se bond issue karti hai, companies kaun si karti hai, aur is uska common process hota hai issuing a bond, hum underwriting kehte hain. Jo government bonds hote hain normally wo kya hote hain, government bonds are usually issued in auction, उसमें आस्क एंड बिड प्राइस होती है। अब हम फीचर्स ऑफ द बॉन्ड देखें। फीचर्स में क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, नॉमिनल प्रिंसिपल, पार और द फेस अमाउंट, कि क्या अमाउंट है जिसपे इश्यूअर ने इंटरेस्ट पे करना है। देखिए, आपको सबसे ज्यादा जिसे हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपको, लाइक लेट्स सपोज दैट ए और बी कहते हैं, बी कहता है मुझे पैसों की जरूरत है, तो वो डिसाइड करेंगे कि कितने पैसों की जरूरत है। बॉन्ड में क्योंकि आप बॉन्ड इश्यू करते हैं तो आप देखते हैं इसकी पार वैल्यू, सॉरी पार और फेस वैल्यू कितनी है। देन मैच्योरिटी, मेच्योरिटी क्या है कि आपका पीरियड क्या है, कितने पीरियड के बाद वो बॉन्ड खत्म होगा, यानी आपने वन ईयर के लिए चाहिए, टू इयर्स के लिए चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या है। ठीक है, अब बहुत से बॉन्ड जो है उनकी मेच्योरिटी पीरियड अप टू 30 इयर्स है, सम बॉन्ड्स हैव इश्यूड विद द टर्म्स ऑफ 50 इयर्स और मोर, एंड हिस्टोरिकल देयर हैव बीन सम इश्यूज विद नो मेच्योरिटी, उनको इररिडीमेबल बॉन्ड्स कहते हैं, उनका कोई मेच्योरिटी पीरियड नहीं होता। टाइप ऑफ बॉन्ड्स, कुछ बॉन्ड्स जिस तरह हमने कहा 50 इयर्स, कुछ 30 इयर्स, लेकिन इन द मार्केट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी सिक्योरिटीज देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ बॉन्ड मैच्योरिटीज। शॉर्ट टर्म बिल्स, जिसकी मैच्योरिटी पीरियड 1 to 5 इयर्स है। ठीक है, उसमें हम जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मीडियम टर्म नोट्स, मैच्योरिटीज बिटवीन 6 to 12 इयर्स, एंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, मैच्योरिटी ग्रेटर देन 12 इयर्स।
फिर फ्यूचर में एक और इम्पोर्टेंट कूपन जिसे हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि इंटरेस्ट रेट को आप देखें, अगर कोई सेवर है वो किस तरह अपनी सेविंग्स दूसरे को देगा उसको इनकरेज करने के लिए, क्योंकि जो उसका इंटरेस्ट रेट है वो उसका प्रॉफिट बनेगा और जो बोरोअर है उसकी कॉस्ट है, तो इसको इंटरेस्ट रेट जो है ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरेस्ट पे करने के लिए आप देखिए, मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि आप एट द एंड ऑफ ईयर करोगे, मंथली बेसिस पे करोगे, सेमी एनुअली करोगे, क्वार्टरली करोगे, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये एक आपके सामने सैंपल कॉर्पोरेट बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू आपको नजर आ रही है 1000 रुपीज है। आप इसका ये देखिए इंटरेस्ट रेट यहाँ पे नजर आए 8.58% ड्यू 1983 हैमिल्टन वीपी कॉर्पोरेट बॉन्ड है, $1000 का है। कि मैं आपको ऐसे एक सैंपल के लिए ताकि आपको एक क्लैरिटी हो जाए, तो ये मैंने आपको इस स्लाइड में ये नजर आ रहा होगा आपको। देन है ट्रेजरी नोट्स, नोट्स एंड बॉन्ड्स। ट्रेजरी नोट क्या है, ये भी एक शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है जो यूनाइटेड स्टेट्स इशू करता है। और इसमें क्या था कि जब आपका फेडरल रिजर्व सिस्टम 1913 में बना है, उससे पहले क्या होता था, उससे पहले ये ट्रेजरी नोट्स बहुत ज्यादा इशू किए जाते थे बाय द यूएस गवर्नमेंट। और ये जो ट्रेजरी नोट्स है इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन द फाइनेंशियल क्राइसिस दैट इन द वॉर ऑफ 1812, पैनिक ऑफ 1813 एंड अमेरिकन सिविल वॉर। अब बॉन्ड और नोट के दरमियान में क्या डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस है वो और इनका ओरिजिनल मैच्योरिटी पीरियड है। नोट का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 1 to 10 years का है और बॉन्ड का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 10 to 30 years है। और जो आजकल अगर ट्रेजरी जो होता है उसमें नोट्स इश्यू किए जाते हैं उसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 2 to 3 years, 5 to 7 years एंड 10 years। उसके अलावा अगर हम फेडरल गवर्नमेंट्स नोट्स एंड बॉन्ड्स की बात करें तो दे आर फ्री ऑफ डिफॉल्ट रिस्क, इसका मतलब है कि नॉन रिस्की होते हैं, इसलिए भी लोगों की प्रेफरेंस होती है कि इसमें वो ज्यादा से ज्यादा ये डेट इंस्ट्रूमेंट यूज करें, क्योंकि सबसे पहले कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपकी ट्रांजैक्शन में रिस्क होता है कि कितनी रिस्की है वो ह्यूमन साइकोलॉजी है। जैसे हमने कहा था बिहेवियरल फाइनेंस में लोगों की कोशिश होती है कि वो एबनॉर्मल रिटर्न्स हो और लेस रिस्की प्रोजेक्ट्स में वो इन्वेस्ट करें, सेम इसी तरह यहाँ पे भी फेडरल गवर्नमेंट नोट्स एंड बॉन्ड्स आर द फ्री ऑफ डिफॉल्ट रिस्क। क्यों, बिकॉज गवर्नमेंट कैन प्रिंट मनी टू पे ऑफ द डेट इफ नेसेसरी। अब जो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको टेबल नजर आएगा दैट समराइजेस द मेजर मैच्योरिटी डिफरेंस अमंग द वेरियस ट्रेजरी सिक्योरिटीज। देखिए अब उसमें टी बिल्स हैं, ट्रेजरी नोट्स हैं एंड ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं। टी बिल्स की मैच्योरिटी पीरियड क्या है, लेस देन 1 year, ट्रेजरी नोट्स का मैच्योरिटी पीरियड 1 to 10 years एंड ट्रेजरी बॉन्ड का 10 to 30 years। मैंने आपको ये टेबल इसलिए दिखाया कि आपको मैं आपको जितने भी लेक्चर्स में मेरी कोशिश ये रही कि मैं आपको टेबल्स या ग्राफ्स से बताऊं, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं भी देखते हैं द केस ऑफ एग्जाम, अगर आप एक टेबल को भी ओवरव्यू करते हैं तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ मेन मेन चीजें आ जाएं, मेन पॉइंट्स आपके माइंड में हों। उसके अलावा अगर एक और इम्पोर्टेंट चीज देखें कि इसको हम रिस्क फ्री रेट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा कम होता है। जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है लेकिन इन्फ्लेशन रेट कहीं ना कहीं जो है वो प्रेजेंट होता है। ट्रेजरी बॉन्ड इंटरेस्ट रेट, द नेक्स्ट टू फिगर्स शोज हिस्टोरिकल रेट्स ऑन द ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स एंड द इन्फ्लेशन रेट्स। इस आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जो ग्राफ नजर आएगा उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फर्स्ट ये कि द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द शॉर्ट टर्म बिल्स इज बिलो दैट ऑन द 20 year बॉन्ड। एक तो रेट ऑफ रिटर्न आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा क्या है कि रेट्स बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहे हैं लॉन्ग टर्म रेट से, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ग्राफ नजर आ रहा है इसमें क्या है कि आपको हमने देखा इन्फ्लेशन और 10 year बॉन्ड्स, इन्फ्लेशन रेट्स ऑन ट्रेजरी बॉन्ड्स एंड सॉरी इंटरेस्ट रेट्स ऑन ट्रेजरी बॉन्ड्स एंड द इन्फ्लेशन रेट फॉर द पीरियड ऑफ 1973 to 2010। एक तो आपने देखा कि रेट ऑफ रिटर्न जो है वो शॉर्ट टर्म बिल पे 20 year बॉन्ड के कम है। इन्वेस्टर्स जो हैं जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में जाएंगे दे एक्सपेक्ट हाईली और लो इन्फ्लेशन रेट्स। ठीक है, दूसरे ग्राफ में आपको दिखाया कि बिल वर्सेस बॉन्ड्स, 90 days ट्रेजरी बिल्स और 20 year ट्रेजरी बॉन्ड। आप देखिए 90 days ट्रेजरी बिल्स को अगर देखें तो उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रेजरी बॉन्ड्स,
उसके बाद एक और जो मेन रिसेंट इनोवेशन हुई ट्रेजरी बॉन्ड्स में वो क्या थी, ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज जिन्हें टिप्स कहते हैं। 1997 में क्या हुआ, ट्रेजरी डिपार्टमेंट में एक इनोवेटिव चेंज आया, उसमें एक इनोवेटिव बॉन्ड डिजाइन किया गया टू रिमूव द इन्फ्लेशन रिस्क फ्रॉम होल्डिंग ट्रेजरी सिक्योरिटीज। इसका जो मेन बेनिफिट ये था कि आपको इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ये बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए, इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज प्रोवाइड की जाए हुज वैल्यू वॉन्ट बी इरोडेड बाय इन्फ्लेशन। देखिए अगर इन्फ्लेशन आ भी जाती है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। टिप्स का जो मेन फंक्शन था वो इन्फ्लेशन इंडेक्स सिक्योरिटीज प्रोवाइड करना था, क्योंकि आपको जब आपको पता है कि इन्फ्लेशन से कुछ नहीं हो रहा तो इसका मतलब है लो रिस्क पोर्टफोलियो है, जीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जा सकता है इसको। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आज हम इस लेक्चर को, ये खत्म तो हो गया लेकिन हम इसको प्रीवियसली पूरे एक लेक्चर को एक देखेंगे। आज हमने स्टार्ट कहां से किया, आज जो हमने सबसे पहले आप स्टार्ट किया कैपिटल मार्केट से। हमने ये देखा कि कैपिटल मार्केट क्या होती है, कैपिटल मार्केट्स में दो तरह की चीजों को देखा हमने, डेट और सिक्योरिटी बैक मार्केट। डेट मार्केट बेसिकली क्या होती है, जिसमें आप डेट या बॉन्ड मार्केट कहते हैं इसको, उसमें आपको जब बॉन्ड, आपको पता है कि जब भी हम कुछ बोरो वगैरह करते हैं तो यू हैव टू पे द कॉस्ट, उस कॉस्ट को हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट। फिर हमने ये देखा कि जो आपकी स्टॉक मार्केट है उसमें क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में इक्विटी मार्केट जिसे कहा जाता है उसमें आप शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। फिर हमने कैपिटल मार्केट में ये देखा कि कैपिटल मार्केट जो है वो उसकी हमने उसके कंसेप्ट को देखा कि उसमें क्या क्या चीज है। कैपिटल मार्केट बेसिकली क्या होती है कि जब भी आपको आपकी कंपनीज को या कॉरपोरेशन को बिजनेसिस को फाइनेंसिंग नीड्स हो और उन्हें पता चले कि ये लॉन्गर टर्म नीड्स है तो तब वो कॉरपोरेशन वगैरह कैपिटल बॉन्ड्स कैपिटल मार्केट की तरफ जाती हैं। देखिए लेट्स सपोज दैट कि एक कंपनी है, उसको लगता है कि मतलब इंटरेस्ट रेट वगैरह भी कम है और मुझे मतलब अपने कोई नया प्लांट वगैरह लगाना चाहिए, तो प्लांट लगाने के लिए अगर वो शॉर्ट टर्म में जाती है और कमर्शियल पेपर्स को लेती है शॉर्ट टर्म, आपको पता है कि कुछ अरसे के लिए, बाद में जब वो मेच्योर हो जाएंगी और अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, इन द केस ऑफ 1980s अगर आपको पता हो तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया था, जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो इन दैट केस कमर्शियल पेपर्स जो आपने, अगर कंपनी उस टाइम कमर्शियल पेपर सिक्योरिटीज इश्यू कर लेती है तो वो लॉसेस में चलेगी, तो इन दैट केस कंपनी को लगेगा कि उसकी जो फाइनेंसिंग नीड्स हैं वो फॉर द लॉन्गर पीरियड हैं, तो वो फिर इस केस में कैपिटल मार्केट को प्रेफर करती हैं। कैपिटल मार्केट में हमने देखा था, आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि कैपिटल मार्केट में दो तरह की ट्रेडिंग होती है, एक होती है आईपीओ जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, जिसमें बेनिफिट ये होता है आईपीओ का कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट बैंक्स वगैरह को कोई फी नहीं पे करना पड़ती। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है आईपीओ का वो ये होता है कि उसमें आपकी लीगल कॉस्ट वगैरह आ जाती है, लीगल कॉस्ट कुछ मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट वगैरह होती है। सेकेंड आप अगर देखें आपको जो आपकी आईपीओ के अलावा आप क्या करते हैं कि आप आईपीओ के बजाय आप इन्वेस्टमेंट बैंक्स वगैरह के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें वही बात है कि आपकी कॉस्ट वगैरह आ जाएगी। फिर हमने देखा था कि आपकी जो कैपिटल मार्केट्स हैं वो आपकी इकोनॉमी को कैसे प्रमोट करती हैं। हमने देखा था कि कैपिटल मार्केट्स जो हैं आपकी इन्वेस्टर्स को, आपके बिजनेसेस को, आपकी कॉरपोरेशंस की फाइनेंसिंग नीड्स को फुलफिल करती है। जब उनकी फाइनेंसिंग नीड्स फुलफिल हो जाएंगी तो दे गॉट मोर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, जब वो ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो इट मीन्स अल्टीमेटली आपकी कंट्री आपकी इकोनॉमी जो है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगी। उसके बाद हमने देखा था कि जो आपके कैपिटल मार्केट्स में आपके जो लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं उसे किस तरह, उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं। हमने देखा था कि कमर्शियल बैंक्स वगैरह हैं, उसके बाद हमने देखा था कि नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं कुछ, उसके बाद हमने देखा था कि उसके अंदर आपके गवर्नमेंट भी है, कॉरपोरेशन भी इशू बॉन्ड करती है। कॉरपोरेशंस कंपनीज जब गवर्नमेंट तो हमेशा बॉन्ड वगैरह लेती है इन नीड ऑफ मनी, लेकिन जो कंपनीज होती हैं वो देखती हैं कि हम क्या करें। उसमें दो तरह के हैं, अगर वो डेट मार्केट में जाती हैं तो उनको बेनिफिट ये होता है कि प्रॉफिट रिटेंशन वगैरह में, लेकिन कंपनीज बार दफा प्रेफर करती है कि वो इक्विटी मार्केट में जाएं। डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसिस, ये हम फर्दर चैप्टर में जाके देखेंगे कि किस तरह कंपनीज डिसाइड करती हैं कि दे हैव टू गो फॉर इधर कैपिटल सॉरी डेट मार्केट और द स्टॉक मार्केट।
फिर हमने देखा था कि हम ट्रेडिंग की बात तो ऑलरेडी कर चुके कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट एग्जिस्ट फॉर मोस्ट सिक्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट्स एंड कॉर्पोरेशंस. फिर हमने देखा कि आपके बॉन्ड्स कितने किस्म के हैं. बॉन्ड्स में हमने ट्रेजरी और बॉन्ड्स वगैरह को देखा. हमने देखा कि किस तरह आपके जो टी बॉन्ड्स हैं उसमें आपकी आप किस तरह उसमें उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. उसके बाद हमने एक रिसेंट इनोवेशन जिसे हम टिप्स कह रहे थे जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि आप इन्फ्लेशन इंडेक्स सिक्योरिटीज और उसमें इन्वेस्टर्स वगैरह को क्या होता है कि इन केस ऑफ एनी इन्फ्लेशन उनको पता है कि उनका उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और इसका मतलब है कि लो रिस्क पोर्टफोलियो है. उसके बाद हमने देखा था कि आप जो आपके ट्रेजरी नोट्स या बॉन्ड्स वगैरह होते हैं आप उसके कुछ हमने फ्यूचर्स को डिस्कस किया था. हमने कहा था कि आपका एक प्रिंसिपल अमाउंट होती है, एक आपका मैच्योरिटी पीरियड होता है, एक कूपन रेट होता है. उसके बाद हमने कहा था कि उसमें आप सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि फिर आप जब इंटरेस्ट रेट वगैरह डिसाइड करते हैं तो ये भी डिसाइड करते हैं कि आपका सिंपल इंटरेस्ट रेट है या कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट है. So that is all about today's lecture. Before ending the lecture, I would like to differentiate between the money market and capital market. मैं आप लोगों को ये आज मैं आपसे क्वेश्चन आपने क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में ही मनी मार्केट के बारे में बताया, उसके पार्टिसिपेंट्स का बताया, उसका बताया कि किस तरह वो होता है, फिर कैपिटल मार्केट में देखा. तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप कैसे कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट को डिफ्रेंशिएट करेंगे. उसमें आप कैपिटल और मनी मार्केट का जो क्योंकि मेन तो बेसिकली तो उनका दोनों का पर्पस तो एक है, दोनों ही फाइनेंसिंग नीड्स को फुलफिल करती हैं, लेकिन दोनों में मीडियम थोड़ा डिफरेंस है और डिफरेंट करता है. ठीक है, जो कैपिटल मार्केट्स हैं वही बात है कि हम किसी ये नहीं कह सकते कि मनी मार्केट इज मोर प्रेफरेबल एज कम्पेयर टू कैपिटल मार्केट और कैपिटल मार्केट इज मोर प्रेफरेबल. दोनों ही प्रेफरेबल हैं, लेकिन क्योंकि आपकी फाइनेंसिंग नीड्स वगैरह को देखते हुए आपने देखना है, बोथ हैज इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स वगैरह कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे. ठीक है, इसमें मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि जो आपकी कैपिटल मार्केट्स होती हैं उनका बेसिक पर्पस जो है, अगर हम पर्पस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कैपिटल मार्केट का पर्पस है वो यही है कि इन ऑर्डर टू फुलफिल द फाइनेंसिंग नीड्स. इफ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी. Okay, this is all about today's lecture. Inshallah, we will meet in the next lecture with a new topic. Thank you so much.